बच्चे हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो आज हम आए हैं अमान प्री स्टोरिक से मिलने, साथ में हानू की नानी का भी घर है ये। और यहाँ पे आज एक्चुअली हमारे दो काम है, काम मतलब एक यहाँ पे पहचान वालों की इंगेजमेंट है और साथ में अमान ने इगुआना भी लाया है, तो इगुआना भी देखने के लिए आए हैं हम लोग, जो कि एशिया का सबसे बड़ा इगुआना है उसके पास। तो चलिए आज क्या क्या हुआ आपको बताता हूँ मैं। और ये देखिए अमान और हानू खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो ये देखिए मंडप बनना चालू हो चुका है, शाम का इवेंट है और आइजा खेल रही है और साथ में यहाँ पे आप देखेंगे तो जो शाम की प्रिपरेशन के लिए खाना बनना भी चालू है। दाल कुछ बनने वाला है जो कि ज़्यादातर आपने 11वीं में देखा होगा बनते हुए, 11वीं की नियाज में मुस्लिम्स के यहाँ पे बनता है, तो दाल गोश का मज़ा ही अलग होता है खाने का, तो उसका यही प्रिपरेशन चालू है दाल गोश का। और ये देखिए अमान प्री स्टोरी के साथ इगुआना के साथ थोड़ी बहुत मस्ती चालू है, आनू की, आइजा की और अब्राहम की। और ये अमान की कैट आइजा पहले तो नहीं डर रही थी इगुआना से, बट अभी पता नहीं अचानक डरने लग गई है। तो अभी ये देखिए हानू का भी रिएक्शन देखते हैं इगुआना के साथ क्या है। ये न्यू बॉर्न बेबी है, बंदर का बच्चा है न्यू बॉर्न बेबी, तो इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी तो अमान ने इसको ट्रीट करने के लिए घर पे लाया है। और ये देखिए इगुआना बेचारा कुछ खाया नहीं है तो अमान स्पेशली उसको खिलाने के लिए आए हैं। और ये इगुआना डर लग रहा है, काफ़ी बड़ा है क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा इगुआना है ये। और ये इगुआने की स्किन हाथ लगा के अगर आप देखेंगे तो काफ़ी रफ एंड टफ होती है। तो ये न्यू बॉर्न बेबी को हाथ में लेके देखते हैं, काफ़ी छोटा है ये देखिए, हाथ में पूरे आ गया है और काफ़ी क्यूट है। हानू बेबी बेबी हमारा हिंदू बंदर टिक्का लगाइए। ये जब दो बच्चे मिल जाते हैं ना तो दोनों काफ़ी मस्ती करते हैं, तो जैसे हम लोग हमारे नानी के घर पे जाते थे तो हमारे नानी के घर पे भी हम लोग जब इकट्ठा होते थे तो मस्तियाँ चालू हो जाती थी, हमारे एज ग्रुप के मिलते थे, तो ऐसी हानू आइजा और रियान है। तो ये माशाल्लाह अमान थ्री स्टोरी की बाइक है, इसको चलाने का मौका मिला है, तो चलिए एक राइड लेते हैं, देखते हैं कैसा है, कैसी रहती है हार्ली डेविडसन 750cc की। तो हानू जो है रेडी हो चुकी है एंगेजमेंट के लिए, तो चलिए आपको बताता हूँ कि यहाँ पे एंगेजमेंट कैसे हुई। दूल्हे साहब की एंट्री हो चुकी है, अभी दुल्हन की एंट्री बाकी है, तो दुल्हन की एंट्री भी बताता हूँ।
कुछ रस्म होती है जो कि मंगनी में निभानी पड़ती है, तो उसके लिए ये सब फ्रूट्स जो भी आप बोलेंगे, पान सुपारी सब लाई जाती है, तो ये वही है। और अभी ये रस्म सब शुरू होने वाली है। तो सब रस्म अभी ख़त्म हो चुकी है और दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को अभी देखिए रिंग एक्सचेंज कर रहे हैं, तो अभी ये वो सेशन चालू है। इंगेजमेंट की रस्म हो गई, रिंग एक्सचेंज हो गई, अभी केक कटिंग सेरेमनी तो वो बाकी रह गई, तो ये वो चालू है। और अभी सब कुछ हो गया, केक कटिंग हो गया, रिंग एक्सचेंज हो गई, इंगेजमेंट सेरेमनी हो गई, सब हो गया। अभी ये लास्ट डांस सेशन अभी चालू है, डीजे सेशन जिसको आप बोलो। और जो दूल्हा है उसके छोटे भाई का भी बर्थडे था, तो साथ में इंगेजमेंट के साथ साथ उसी दिन उसका भी बर्थडे था, तो बर्थडे का भी केक कटिंग ये चालू है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। मिलता हूँ ऐसी ही अगली वीडियो में, फैमिली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।